बंधुओं, आज मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में से जो आप आम लेकर के घर पर आते हैं कि क्या वो पेड़ से पका हुआ आम है या किसी केमिकल कार्बाइड या अल्कोहल द्वारा उस आम को पकाया गया है। चूंकि ये आम का सीजन चल रहा है, बाजार में लबालब आम अवेलेबल है और हर कोई आम खरीद कर खाना चाह रहा है और बहुत ही सस्ते दाम पर भी मिल रहा है, तो लोगों को ये अंतर कर पाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो जो आम लेकर के आए हैं वो केमिकल से भरा हुआ आम है या फिर वो सचमुच पेड़ से पका हुआ आम है। आइए मैं आपको वो तरीके बताता हूँ जिनसे आप बहुत ही आसान तरीके से पहचान पाएंगे कि ये आम नेचुरल है या फिर केमिकल से बना हुआ है। बाजार में मिलने वाले आम के रंग पर ना जाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो पीले हों वो पके आम हों। कुदरती रूप से पके आम हरे और नारंगी रंग के होंगे। पके हुए आम को डंठल के पास सूंघने पर खास तरह की खुशबू आएगी, जबकि कार्बाइड से पकाए गए आम में कोई महक नहीं आएगी। अगर आम में अल्कोहल, कार्बाइड या किसी अन्य तरह की महक आती है, ऐसे में आम ना खरीदें। ये ज्यादा पके और अंदर से खराब हो सकते हैं। अच्छे आम पर सामान्य के अलावा कोई दाग नहीं होते, जबकि केमिकल वाले आम का रंग 2-3 दिन के अंदर काला होने लगता है। आम खरीदने से पहले इन्हें चखकर देखें, चखने से मीठे और स्वादिष्ट लगे तो ही लें, जबकि कार्बाइड से पकाए फल का स्वाद किनारे पर कच्चा और बीच में मीठा होता है। पके हुए फल का वेट और कलर एक समान होता है। स्वाद में भी पूरा फल एक समान मीठा होता है। ये लंबे समय तक खराब नहीं होते, जबकि कार्बाइड से पकाए फलों का भार समान नहीं होता। मुमकिन हो तो बाजार से आम खरीदने के बजाय सीधे आम के बगीचे से ही खरीदें और घर में ही खास कागज या प्याज के बीच में रखकर इन्हें पकाएं। बाजार से खरीदे हुए आम पहले साफ पानी से धो लें और फिर किसी ठंडी जगह पर 1-2 घंटे रख दें। इसके बाद खाने में इस्तेमाल करें। आम को घोलकर उसके रस को सीधे मुंह से चूसने के बजाय इसके छिलके उतारकर मिक्सर में जूस बनाकर पिएं। तो ये थी बंधुओं इस कंटेंट से रिलेटेड जानकारी।